कैसे हो सब। तो दोस्तों, आज हम आ चुके हैं फिर से एक और कमाल की वीडियो के साथ। पर आज की वीडियो कोई भी बायोग्राफी या मोटिवेशनल वीडियो नहीं होने वाली है। आज हम बात करने वाले एक ऐसी बुक के बारे में जिसने करोड़ों लोगों की लाइफ को चेंज कर दिया। आज हम बात करने वाले हैं जेम्स क्लियर की लिखी हुई बुक एटॉमिक हैबिट्स के बारे में और उसके 5 ऐसे की पॉइंट्स जो कि आपको आपकी लाइफ को और प्रोडक्टिव बनाने में हेल्प करेंगे। तो चलिए जल्दी से बिना किसी देरी के इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, गेट 1% बेटर एवरी डे। तो आज के टाइम में ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि अगर उन्हें अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है तो उन्हें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना होगा या फिर कुछ ऐसा काम करना होगा जो कि पूरी तरीके से आउट ऑफ द बॉक्स है। लेकिन वहीं एक तरफ ऑथर इसका बिल्कुल ही अपोजिट बोलते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ बेटर अचीव करना है और अपने अपने बड़े गोल्स को अचीव करना है तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं, बस रोज़ 1% इम्प्रूव होना है। आप जो काम कल किस तरीके से करते थे उसको आज आप किस तरीके से 1% और बेटर कर सकते हैं, आपको पहले इन बातों पर फोकस करना है। वो कहते हैं कि हैबिट्स जो होती हैं हमारी, वो हमारे सेल्फ इम्प्रूवमेंट का एक कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। आप वही बन जाएंगे जो आप बार बार रिपीट कर प्रयास करेंगे। हम में से ज़्यादातर लोग काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े सपने देख लेते हैं और एट द एंड ऑफ द डे हम उन्हें अचीव नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा गिल्ट और अंडर कॉन्फिडेंस फील करना पड़ता है। लेकिन उसके अपोजिट अगर हम छोटी चीज़ों पर, बारीक चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दें जो कि हमारी डेली लाइफ में हमें इम्प्रूव करती हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे हम अपने आप को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने बड़े गोल्स को अचीव करने के 1% या फिर 1 कदम नज़दीक आ सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, चेंज योर आइडेंटिटी टू चेंज योर लाइफ। एक छोटा सा सेंटेंस चेंज करना ही आपकी पूरी लाइफ और पूरी हैबिट को चेंज कर सकता है और वो है आई वॉन्ट से आई एम। आप अपनी लाइफ में जो भी अचीव करना चाहते हो या फिर जिस भी व्यक्ति की तरह बनना चाहते हो, पहले आप उसको खुद में मैनिफेस्ट करना शुरू कर दीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर राइटर कहते हैं कि अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट का 3 तरीके हैं, आउटकम्स, प्रोसेस और आइडेंटिटी। मान लीजिए कि आप एक बहुत ही शानदार बॉडी बिल्डर बनना चाहते हैं जो कि आपका एंड रिजल्ट यानी आउटकम है, तो इसके लिए आपको कंटिन्यूसली एक्सरसाइज और अपनी डाइट को फॉलो करना चाहिए जो कि आपका प्रोसेस का हिस्सा है। और उसके बाद एंड ऑफ द डे आप वो बन जाएंगे जिसकी तरह आप बनना चाहते हैं, जो कि एक अच्छा बॉडी बिल्डर, और ये बन जाएगी आपकी आइडेंटिटी। तो कुछ सिंपल तरीकों से आप जो बनना चाहते हो बस उसको शुरू में आई वॉन्ट से आई एम और इस वर्ड को मैनिफेस्ट कर कर आप जो भी चीज़ अचीव करना चाहते हो वो आपसे हो जाएगी। पॉइंट नंबर 3, द 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। पुराने समय से ही लोग ह्यूमन बिहेवियर पे रिसर्च करते हुए आ रहे हैं और इस बुक में भी ऑथर ने ह्यूमन बिहेवियर के बारे में कुछ अच्छे लॉज दिए हुए जो कि उन्होंने 4 लॉज से डिस्क्राइब किया हुआ है, जिसमें से पहला आता है क्यू, फिर सेकंड है क्रेविंग, थर्ड है रिस्पॉन्स और फोर्थ है रिवॉर्ड। और इन 4 को अगर आप सिंक्रोनाइज कर दें तो आप अपनी हैबिट्स को या फिर अपने बिहेवियर के पैटर्न को देख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप जब सुबह उठते हैं तो आपको कॉफ़ी या चाय की बहुत ही तलब लगती होगी, तो इस पैटर्न से हम इन 4 लॉज को समझ सकते हैं। क्यों होता है जबकि आप सुबह उठते हैं, और क्रेविंग जबकि आप अपने आप को एकदम अलर्ट और एनर्जेटिक फील करवाना चाहते हो, इसके लिए आप रिस्पॉन्स का सहारा लेते हो, आप जाकर 1 कप कॉफ़ी को पी लेते हो, और उसके बाद आपको मिलता है रिवॉर्ड जो कि होता है कॉफ़ी को पीने के बाद का सेटिस्फैक्शन। और इससे आप अपने बिहेवियर पैटर्न्स को जान सकते हो और अगर आपको उसमें कुछ गलतियाँ दिख रही हैं या इसकी वजह से आप अपनी लाइफ में अनप्रोडक्टिव हो रहे हो तो आप उन पैटर्न्स को देख कर उन्हें चेंज कर सकते हो। पॉइंट नंबर 4, हाउ टू वर्कआउट कंसिस्टेंटली। हम में से बहुत सारे लोग अपनी एक रूटीन को फॉलो करना स्टार्ट करते हैं लेकिन कुछ समय बाद ही हम उसे करना छोड़ देते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? बेसिकली इसका आंसर हमें पॉइंट नंबर 3 से यानी 4 लॉस से ही मिलेगा। उन 4 लॉस से हमने एक हैबिट तो बना ली, लेकिन अब उसको हम गुड हैबिट में कैसे चेंज करें? सपोज करिए कि आपको वर्कआउट करना है और फिट होना है, तो उसके लिए हम उन 4 लॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें पहला क्यू होता है जिसको हमको मेक इट ऑब्वियस बनाना है। जैसे कि अगर आपको जिम जाना है तो अपने जिम के क्लॉथ्स को एकदम अपने उठने के सामने रखिए ताकि आपको सुबह उठते ही वो क्लॉथ्स दिख जाए और तुरंत आप जिम के लिए रवाना होने को तैयार हो जाए। उसके बाद आती है बात क्रेविंग की, मेक इट अट्रैक्टिव। हम कोई काम को करना तब छोड़ देते हैं जब हमारा उसमें इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, इसीलिए अगर आप जिम ज्वाइन कर रहे हो या फिर कोई भी हेल्दी रूटीन स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें कुछ फन, कुछ एक्साइटमेंट जोड़िए जो कि आपको रोज़ रोज़ उसे बार बार करने का एडिक्टेड बना दे। और उसके बाद आता है रिस्पॉन्स, उसे एकदम ईजी बनाइए, मेक इट ईजी ताकि आप उसको करते करते रोज़ थक ना जाओ। और अगर आप जिम ढूंढ रहे हैं तो उसे अपने घर के पास में ढूंढ लीजिए, या फिर अगर आप वर्कआउट करना चाहते हो
तो घर में ही कुछ इक्विपमेंट्स ला के रख लीजिए ताकि आपको रोज रोज परेशान ना होना पड़े और दूर जिम जाने की झंझट से भी आप बच सकें। और उसके बाद आता है रिवॉर्ड, जो कि हम सबको पसंद है। अगर आप जिम जा रहे हो तो अपने रूटीन को और अपने डेली प्रोग्रेस को कैलेंडर में नोट करना शुरू कर दीजिए कि आपने आज कितनी कैलोरीज बर्न की या फिर आपने कितना वेट उठाया। उसके कारण आपको और रोज जिम जाने का और ज़्यादा वर्कआउट करने का मोटिवेशन भी मिलता रहेगा। पॉइंट नंबर 5, हाउ टू अवॉइड बैड हैबिट्स। हमने इसके पहले वाले पॉइंट में ये तो जान लिया कि कैसे हम गुड हैबिट्स को बना सकते हैं, लेकिन हमें ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि हम बैड हैबिट्स को कैसे तोड़ सकते हैं। तो उन्हीं 4 लॉ से हम बैड हैबिट को भी तोड़ सकते हैं। पर हम जिम वाला एग्जाम्पल लेके उस पूरी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। तो उसमें सबसे पहला लॉ आता है क्यू। तो उसमें हम इस बार क्या करेंगे, मेक इट इनविजिबल। हम अपने घर में जितने भी स्नैक्स या फिर जितने भी जंक फूड रखे हैं उसको एकदम अपने आँख के सामने से हटा देंगे ताकि हमें उसकी क्रेविंग न हो और हम वर्कआउट के पहले कुछ अनाप शराब ना खा लें। उसके बाद बात आती है क्रेविंग की, और इस बार हमें उसे अनअट्रैक्टिव बनाना है। अगर आपको आइसक्रीम खाना पसंद है और आपको वनीला आइसक्रीम बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो इस बार आप वनीला की जगह एक ऐसा फ्लेवर लीजिए जो कि आपको बिल्कुल भी ज़्यादा पसंद नहीं है, और उसे अपने घर में ला कर रख दीजिए, और इनिशियली आपको आइसक्रीम खाने का मन बिल्कुल भी अब नहीं करेगा। फिर बात आती है रिस्पांस की, और इस बार हमें उसे डिफ़िकल्ट बनाना है। अगर आपको आइसक्रीम खाने की बहुत ही ज़्यादा मन है तो आप उसे एक ऐसी जगह पर रख दीजिए जहाँ से आपको उसे निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो। तो आप इस बार उसे खरीदिए मत। और आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, जब आप जिम जाते हो तो आप कुछ ऐसी डिफ़िकल्ट जगहों से अपना जिम का रूट तय कर लीजिए जिसके कारण आप कन्वीनियंस स्टोर से गुजरे ना और आपको वो आइसक्रीम वाली दुकान ही ना दिखे। और उसके बाद बात आती है रिवॉर्ड की, और इस बार हमें उसे अनसेटिस्फाई बनाना है। जैसे कि हमने आइसक्रीम का एग्जांपल लिया और आपको इस बार बहुत ही गंदी वाली फ्लेवर की आइसक्रीम खानी है जिसके कारण एट द एंड ऑफ द डे आप उससे अनसेटिस्फाई हो जाओगे और आप आइसक्रीम खाना ही क्विट कर दोगे। और एट द एंड ऑफ द डे आप अपना हेल्दी रूटीन फॉलो करते हुए अपनी डेली लाइफ में और भी ज़्यादा प्रोडक्टिव बनते जाओगे। ये थी 5 की पॉइंट्स फ्रॉम द बुक द एटॉमिक हैबिट्स। अगर आपने वो बुक पढ़ी हुई है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वो बुक कैसी लगी, और क्या आप दूसरे लोगों को भी उस बुक को रेकमेंड करना चाहोगे, और क्या आप हमारे चैनल पर और भी बुक समरीज और की पॉइंट्स बुक्स की देखना पसंद करोगे। अगर हाँ तो हमें ये बात कमेंट कर बताना बिल्कुल भी मत भूलना, हम आपके लिए और भी ज़्यादा बुक समरीज लाते रहेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करके जाना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर देना, हम आपके लिए ऐसे अमेजिंग वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए फिर मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ। बाय।